बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 3 साल 4 साल मेहनत करके किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड हर एग्जाम का बढ़ चुका है। आपको बताते हैं 100 में से 70-80 नंबर लाना भी आपके अपने आप में बड़ा ही कठिन काम हो चुका है, लेकिन फिर भी कट ऑफ कभी 80 चली जाती है, कभी 85+ 90+, ये सब कट ऑफ आखिरकार जाती कैसे है? मतलब मुझे लगा करता था कि इतनी मतलब ऊंची ऊंची कट ऑफ जो जा रही है, क्या वाकई में ऐसे लड़के होते हैं जो 90-90, 95-95 नंबर ला सकते हैं 100 में से? फिर सामने आती है ये घटना। जी हाँ, ग्रुप डी की तैयारी में आपने देखा कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आ रहा है। ज्यादातर लोगों का जो मानना है कि वो 65 और 70 के आसपास आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन जैसे ही ये सवाल पढ़ते हैं, ये न्यूज़ पढ़ते हैं, वैसे ही मन में डाउट आता है, क्या ऐसा ना हो कि 70 नंबर वाला लड़का पीछे रह जाए और ऐसे लोग हमेशा आगे हो जाए। क्या है न्यूज, मैं आपको बताता हूं। ये बात राजस्थान के अलवर जिले की है। अलवर जिले में क्या हुआ है कि 100 सवाल की आंसर की पूरे के पूरे 100 सवाल की, ये एकदम करेक्ट बात है, और ये बात है तुम्हारे 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट की। 24 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो परीक्षा हो रही थी उसमें एक नौजवान 100 सवाल की आंसर की लेटर पकड़ा गया है, रेलवे की भर्ती में नकल करते हुए पकड़ा गया और बोला कि 4 लाख में गिरोह से लिया गया। मतलब ये जो इसने आंसर की लिए ना, ये 4 लाख में खरीदी गई है। और ये न्यूज आपकी दैनिक भास्कर की है, आप देख पा रहे हैं दैनिक भास्कर, और ये सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे पहले की न्यूज है, राजस्थान के अलवर जिले की। थोड़ा और आगे पढ़ते, थोड़ा और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये देखिए, इसके बाद ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, इसका प्रॉपर वीडियो बनाया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी न्यूज ये सामने लिखी हुई है ना, तो पूरी न्यूज अगर आप देखिए तो इसमें साफ साफ इन लोगों ने ये बताया। क्या बताया कि रेलवे भर्ती की परीक्षा को लेटर एक अभ्यर्थी 100 सवालों की आंसर की लेटर पहुंच गया। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि फ्लाइंग टीम ने जांच उसकी जेब से आंसर की निकाली, जब्त की और पूछा तो अभ्यर्थी की आंसर की देने बदले 4 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया और आंसर की जांच करके दिखा दिया तो सही पाई गई। सही पाए जाने मतलब उसके पास पूरे पूरे 100 आंसर थे। परीक्षा रद्द हो सकती है, मामला अलवर के सदर थाने का है। अब ये कब की परीक्षा है ये भी देखिए, तो SHO अजीत ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से RRC लेवल ग्रुप D1 की परीक्षा चल रही है। बुधवार को शाम के 3 से 6, यानी ये बुधवार शायद 24 अगस्त के आसपास पड़ेगा। आज आपका कौन सा हो रहा है, 26 हो रहा है, ठीक है, तो यह हमारा बुधवार की परीक्षा है और 3 से 6। MITRC मेट्रिक, ये कॉलेज का नाम है दारकता, MITRC कॉलेज, इससे सेंटर में सुनील नामक अभ्यर्थी ने पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा दिया। आरोपी के पास सभी 100 प्रश्नों की आंसर की थी। ओके, तो आरोपी के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने सदर, ये बात ध्यान रखना, ये सदर थाना है और राजस्थान में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है अलवर, और अलवर जिले में ध्यान रखना जो थाना है वो है सदर थाना। तो सदर थाने की ये बात है, बुधवार की बात है, सेकेंड शिफ्ट की बात है, तो पूरे पूरे 100 आंसर की के साथ पकड़ लिया गया, बाकी उस पर FIR हुई, ये ठीक है। तो मैं आपको ये बस ये बताना चाहता हूं कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं, है ना। आरोपी का नाम जो है वो सुनील है और जांच अभी चल रही है। फिलहाल ये कन्फर्म है कि जो भी उसके पास आंसर थे वो कंफर्म आंसर थे। कंफर्म आंसर का मतलब ये है कि उसी पेपर के आंसर थे, तो एटलीस्ट उस शिफ्ट का पेपर तो कैंसिल होना ही चाहिए। उस शिफ्ट का पेपर जब कैंसिल हो रहा तभी तो मान लीजिए ऐसे कितने सारे लोग पकड़े जाते हैं। वो अब देखो बात वही है ना कि आप सब लोग ना पढ़ने के बाद 65 से 70 नंबर तक लाते हो, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है जिनको हम लोग पकड़ लेते हैं तब तो समझ में आता है कि ठीक है, और जिनको नहीं पकड़ पाते वो लोग तो कम से कम 80-90-95 तक नंबर लाते हैं, फिर लोगों के कट ऑफ बढ़ते हैं, यानी पढ़ने वाले से बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, शांत मत बैठिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो 24 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा हुई थी 3 से 5 वाली, ये कैंसिल होनी चाहिए। वो इसलिए कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि यहां पर साफ साफ पता गया है कि पेपर लीक का मामला है और इसमें पूरे पूरे 100 आंसर थे उसके पास। मैं आपको पूरा वीडियो भी दिखाता हूं ताकि आप वीडियो से भी आप एकदम क्लैरिफाई हो जाइए। ओके, तो ये रहा वो वीडियो। पुलिस की
की भर्ती में 100 प्रश्नों के आंसर की ही लेकर पहुंच गया। अलवर के MITRC कॉलेज में खेड़ली के लालीपुरी गांव के परीक्षार्थी सुनील को आंसर की से पेपर सॉल्व करते हुए पकड़ लिया। सुनील शर्मा पुत्र रोहित शर्मा, इसको अरेस्ट किया जा चुका है। ये परीक्षा में और जो नकल करवाने वाले गैंग है, इसके सहयोगी उनके द्वारा जारी जब इस परीक्षा में नकल करवाने वाले को गिरफ्तारी कर खुलासा किया। फिलहाल सदर थाना पुलिस आंसर की जांच कर रही है कि आंसर की सही है या गलत। वहीं ये भी पता लगाया जा रहा है कि आंसर की परीक्षार्थी के पास कहां से आई है, कहीं मामले में कोई बड़ा विरोध तो शामिल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। ओके, तो आप सबने देखा कि ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ना। ठीक है, अभी चल रहा है मामला, लेकिन ये जो परीक्षा है अगर उसके पास आंसर की है तो कंफर्म निरस्त होनी चाहिए। चलिए, आपके पास अगर आसपास आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हो तो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को जो है अवेयर कीजिए लोगों को, ताकि ये चीज ना होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इन चीजों का विरोध तो हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी जब ये चीजें सामने आती हैं तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ही खराबी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखे जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा से जुड़ा हुआ, तो वो लोग अपना क्या मत रखते हैं, क्या सोचते हैं, उसको नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।